टू माई चैनल रूप्स लाइफ। तो जब हम चीजों को घर में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और जरूरत पड़ने पे फटाफट से मिल भी जाती है। तो मुझे भी घर में कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत थी तो मैंने इन्हें ऑर्डर किया है अमेजोन से। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है एक छोटा सा अमेजोन हॉल है ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये वायर बास्केट जो कि है गोल्डन कलर में। ये बहुत ही मजबूत बास्केट है। तो इसका जो डायमेंशंस है वो है 10x8x7 और इसका जो प्राइस है वो है 636 रुपीज। जो गोल्डन कलर है इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी की गई है और ये काफी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, काफी स्टडी है ये और इसके जो डायमेंशंस है वो भी काफी अच्छे हैं। और इसे होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक हैंडल भी दिया गया है। तो वायर बास्केट्स में मैं रखने वाली हूँ अपनी वाटर बॉटल कुछ इस तरह से अरेंज करके। इस बास्केट को हम अपने होम डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाइनिंग एरिया में हमें कुछ अरेंज करके रखना हो या लिविंग रूम में या कहीं भी, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है तो ये कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगी। तो जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है ये 3 स्टेप्स का ऑर्गेनाइजर। इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इसके ऊपर जो ये स्टेप्स बने हैं ये भी अलग अलग साइजेस के हैं, ये वाला छोटा है, ये मीडियम है और ये थोड़ा बड़ा है। तो कवर्स के अंदर जार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखने हो या किसी और चीज को आप ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है मेरे को सेट ऑफ 2 का मिला है 795 रुपीज में और इसके जो डायमेंशंस है ये 29 cm x 22 cm x 10 cm है। तो इसके डायमेंशंस जो है वो भी काफी अच्छे हैं, आसानी से जो कवर्ड के अंदर ये आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके हम इसमें रख सकते हैं। तो फिलहाल एक पे मैंने रख दिया है सामान। देखिए पूरे मेरे जो ग्लास जार्स हैं इसमें मसाले वाले अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इन दोनों को मैं ऐसे ही अरेंज करके कवर्ड्स के अंदर रखूंगी। तो हमारे जिस भी कबर्ड की डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र हमारे बहुत ही काम आने वाला है। लेकिन इसकी जो सेल्फ्स की साइजेस हैं वो जो है काफ़ी छोटी हैं तो इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें ही अरेंज करके रख सकते हैं, बड़ी चीज़ों को अरेंज करके रखना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये बास्केट, ये वाइट कलर की बास्केट और इसके ऊपर ये ग्रे कलर का ऐसे बॉर्डर बना हुआ है। आई मस्ट से कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है देखने में और ये बहुत ही मजबूत भी है, काफी सॉलिड है, ये स्टडी है बहुत। इसमें हम इसकी कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है तो हम इसमें बहुत सारी चीजों को जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और ये जो बास्केट है ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो मैंने ये लार्ज साइज में ऑर्डर की है और ये है सेट ऑफ 4 की और इसका जो प्राइस है वो है 800 रुपीज। तो ये 200 रुपीज पर बास्केट हमको पड़ गई है और ये क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जब मैंने इसे ओपन किया तो इसके अंदर मुझे ये कूपन कोड भी मिला है 50 रुपीज का। आई डोंट नो कि अभी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो एक बार चला के देखेंगे। तो अगर ये 50 रुपीज का कोड चल गया तो ये 750 की 4 हो गई। बास्केट जो है ये मैंने मंगाई है स्पेशली अपनी पैंट्री में ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं जो है कई बार थोड़े एक्स्ट्रा मसाला वगैरह ले आती हूँ कि बार बार ना जाना पड़े, कई बार हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आ जाती है तो उसे अच्छे से अरेंज करने के लिए ये बास्केट्स जो है मैंने मंगवाई है। इन बास्केट्स को हम घर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि कबर्ड में अगर हमें कपड़े अरेंज करके रखने हैं वहाँ पर, बच्चों के टॉयज़ या और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास होती हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने के लिए ऐसी बास्केट्स जो होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ये 4-टायर बास्केट्स, जैसे ट्रॉली होती है ना 4 टायर्स की वो है और उसकी जो बास्केट है उसकी साइज ये है। ये काफी सामने से थोड़ी पतली है क्योंकि मेरे किचन में इतनी ज्यादा जगह नहीं है बास्केट वगैरह बाहर रखने के लिए, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने इसे ऑर्डर किया है। तो इसके इसको लगाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ऐसे अटैचमेंट्स भी हमें दी गई हैं और साथ ही में इसके जो है व्हील्स भी दिए गए हैं, ये देखिए। तो आई होप कि ये अच्छी रहेगी, एक बार मैं पूरी लगा लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ये कैसी है। क्वालिटी वाइज ओके ओके है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी
नहीं बोल सकती मैं इसकी, जो मैंने पहले वाली बड़ी बास्केट्स दिखाई है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो है 699 रुपीज। तो ये 4 टायर्स वाली ट्रॉली मैंने असेंबल कर दी है। तो देखिए ये इसके व्हील्स हैं जो यहाँ पर पीछे लगे हैं इस तरह से। और चलिए इसे मैं सीधा करके दिखा देती हूँ, इस वक्त उल्टी रखी हुई है। और इसके जो ऊपर से देखिए कैप दिया गया है यहाँ पर पूरा इसे पैक करने के लिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसकी जो मूवमेंट्स हैं टायर्स वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी से ये चल रहे हैं। और इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, आई थिंक ये 3 फीट के करीब होगा क्योंकि मेरा काउंटर टॉप जो है वो 3 फीट से थोड़ा सा कम है, तो ये उससे थोड़ा सा ऊपर जा रही है, तो ये 3 फीट तक की हाइट में है। तो ये जो ट्रॉली सेट है ये हमें मिल जाता है वाइट कलर में। आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कोई कलर है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ इसमें आपको 3 टायर और 2 टायर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसे ले सकते हैं। ये है मेरा डिशवॉशर और इसके साइड में यहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी जगह बाकी थी जहाँ पर मैंने इसे रखने के लिए मंगवाया है। और ये बहुत ही इजीली देखिए यहाँ से ऑपरेट हो जाता है और इजीली चला जाता है, तो ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। मुझे इसे मंगवाने का जो पर्पज है वो सॉल्व हो गया है। इसे आप अपने ऑफिस या स्टडी रूम में स्टेशनरी, फाइल्स या फिर बुक्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जैसे लॉन्ड्री एरिया में या बाथरूम में बॉटल्स वगैरह होती हैं उसे भी रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इनके सारे लिंक्स जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।